अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों, आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर अफियत के साथ होंगे। बहनों भाइयों, अगर आप ये इंस्टॉल कर रहे हैं मैक ओएस विक्टर, तो इसमें अगर आपके पास ये ओपन होता है, इस तरह कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, आप एग्री करते हैं तो ये ऑप्शन आता है कि ये डिस्कसास पे सेलेक्ट नहीं होती। यहाँ पर आपसे प्रॉब्लम आता है। अगर ये प्रॉब्लम आपके पास आता है तो आपने करना क्या है, आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। आपने यहाँ पर ये सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है। ये कहाँ से आती है, लॉन्च पैड पर क्लिक करेंगे, प्रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे, ये इस पर, ये सिस्टम एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन आपके सामने एक शो होगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, ठीक है। ये सेटिंग है, ये सिस्टम प्रेफरेंसेस, ये मैंने किया हुआ ऑलरेडी, तो ये आया हुआ है। ये सिक्योरिटी प्राइवेसी का ये देखें ऑप्शन है, यहाँ पर आपने आना है और ये लिखा हुआ है फायर वॉल इज सिक्योर डेटा। यहाँ पर आपके पास टाइम मांगेगा कुछ टाइम, ठीक है। अगर आपका चार्जर कनेक्ट नहीं है तो ये आपसे नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एरर ही यहाँ पर शो होगा, ये कुछ टाइम नहीं चलेगा। अगर आपका चार्जर कनेक्ट है तो आपका यहाँ पर कुछ 10 मिनट या 15 मिनट या लेगा कुछ वक्त, उसके बाद ये इंक्रिप्शन कंप्लीट होगी और आप इस डिस्क को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका दो ही ऑप्शन है, ठीक है। जर्नल पर जाएंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पर सेटिंग है, आपको पासवर्ड रिक्वायर है कितने टाइम बाद, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप फाइल वॉल्ट पर जाएं, क्योंकि अगर फाइल वॉल्ट का एरर आ रहा है आपके पास तो ये देखें टर्न ऑफ है। अब ये 30 सेकंड रह गए यहाँ पर, ठीक है, अबाउट 30 सेकंड रिमेनिंग, 30 सेकंड तकरीबन रह गए। उसके बाद ये डिसलेक्ट हो सकती है और हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, अपग्रेड कर सकते हैं मैक ओएस को। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आपने क्या है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है, ठीक है, और उसके बाद फाइल वॉल पर जाना है, चार्जर कनेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है, अपने पीसी में, और इसका इंतज़ार कर देना है इंक्रिप्शन का, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बेहतर है कि यहाँ से ही हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।